तो फिर से आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं ये फूल मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे, बहुत छोटे छोटे थे, अभी देखो कितने बड़े हो गए। और ये फूल की लाइफ जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं है, ये मैंने गिरते रहते हैं आते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मस्त फूल हो गए हैं, मस्त फूलों की क्यारी जैसी बन गई है। तो अगर आप लोगों को फूल पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप भी अपने घरों में फूल लगाएं। देख सकते हैं फूल की बात करें तो ये भी ऐसी है, ये मैंने 2-3 दिन रहता है, उसके बाद ये भी गिर के नया फूल आता है। ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो इनमें वैसे कोई ख़ास फ्लेवर तो नहीं है, ये जस्ट फूल हैं, ऐसे खुशबू ऐसा कुछ नहीं है इनमें। इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है, इसमें बारीक बारीक फूल आते हैं ऐसे वाले, ये इसमें छोटे छोटे ना। तो इसका पेड़ जो है ये बहुत बड़ा है, ये देखें ये है इसका पेड़, ये मतलब बहुत बड़ा पेड़ है इसका। तो ये पता नहीं कौन से फूल हैं, ये देख सकते हैं, इसका नाम मुझे पता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नाम क्या है। आज की अपडेट यही थी, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज मौसम के बारे में बात करेंगे, तो मौसम आप देख सकते हैं, मौसम जो है आज बहुत ही क्लीन है, कहीं पे भी एक बादल नहीं है, और धूप बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बाहर धूप इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ अभी, क्योंकि बाहर आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। और सामने देख सकते हैं आप ये कॉर्निस है, अभी एक भी आदमी नहीं दिख रहा है कॉर्निस में, और पानी भी आज फूल है समुद्र में, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम में थोड़ा ठंडी होती है, थोड़ा ठंडा बोलो तो जो सर ठंडा मौसम होता है, तो कॉर्निस फूल भर जाता है पब्लिक से, और अच्छा सा लगता है, बिल्कुल ब्यूटीफुल नज़ारा। तो अभी इतनी गर्मी शुरू हो गई सऊदी में कि आदमी कोई भी बाहर नहीं दिखता, देखो गाड़ियाँ भी बहुत कम चल रही हैं हाईवे पे, रोड पे देख सकते हैं आप, क्योंकि पब्लिक बाहर नहीं निकलती है दिन में, शाम के टाइम में फुल हो जाता है। तो ये देख सकते हैं अभी गर्मी आ गई तो ये फूल भी झड़ने चालू हो जाएंगे, फिर नए फूल आएंगे, तो इनको हम डेली पानी डालते हैं, तो ये इसके लिए हरे भरे हैं, सही है। तो गाइज आज की अपडेट यही थी, और अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। भूफे हमारे लगभग ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, बस अभी हम कस्टमर को वेट कर रहे हैं, कस्टमर आएंगे तो फिर भूफे रिफिल करेंगे, और काम तो डेली का काम आपको पता है, सेफ रूम का काम क्या होता है, डेली काम काम काम।
हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारी सैलड और साइड डिशेस रेडी हो गई हैं, और आज की वीडियो में यही था। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।